परम पूज्यवर साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी बहुत ही सुंदर व्यवहारिक चर्चा सुन रहे थे। हम सब अपना कर्तव्य अदा करते जाएं। आदमी अपना कर्तव्य भूल जाता है, वो आदमी अपने जीवन से विमुख हो जाता है। जो आदमी अपना कर्तव्य अदा सही ढंग से करता है, वही आदमी सबसे बड़ा धार्मिक है। धर्म की परिभाषा इतना ही है। पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ का बेटा के प्रति क्या कर्तव्य है, बहू का सास के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी को शिक्षक के प्रति, जो आदमी अपना कर्तव्य अदा करता जाता है, सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति वही है। कोई आदमी श्वेत वस्त्र धारण किया हो, उसे धार्मिक ऊपर से कहा जा सकता है, लेकिन अंतर उनकी धार्मिकता है कि नहीं, ये व्यवहार में ही पता चलता है। कोई आदमी जटाजूट बढ़ाया हो, लंबे चंदन लगाए हो, लंबे तिलक लगाए हो, माला फेरते हो, मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गिरजाघर में रहते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, इससे किसी को धार्मिक कहना ये ऊपर की बात होगी। धार्मिक वो नहीं, ऊपर से उसको धार्मिक कहा जा सकता है, लेकिन असली धार्मिकता तो उनके अंतर मन की है। एक आदमी करीब करीब चार बार चार धाम कर चुके, लेकिन एक तंबाकू नहीं छूटा, तो क्या उसको धार्मिक कहेंगे? अभी चर्चा चल रही थी कि सत्संग से ही जीवन बदलता है, लेकिन आदमी सत्संग भी सुनते हैं और जीवन से खुरापात भी कम ना हो तो हम धार्मिक कैसे हो गए? एक बच्चा घर में अपना रहता था, उनका पिता उनके घर में एक संत आए तो कहे, मेरे बेटा को समझा देना महाराज जी, मेरा बेटा कहाँ नहीं मानता है, कभी बोलता हूँ सत्संग में चलो तो सत्संग में नहीं जाते हैं, जो कुछ कहता हूँ मानते नहीं हैं। वो होता क्या है, वो लड़का घर में आया और घर में आने के बाद में महाराज जी का प्रणाम करने गया, उसके बाद में महाराज जी उनसे बात किए, बेटा क्या करते हो, पता है पढ़ाई करता हूँ, सत्संग सुनते हो? नहीं सुनता हूँ। क्यों नहीं जाते हो? कहे मुझे सत्संग से कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लाभ नहीं दिखता है। कहे तुम कैसे बोलते हो? महाराज जी बोले तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे पिताजी सत्संग सुनते हैं, इतना रोज सत्संग में जाते हैं, तुम नहीं देखते हो? वो लड़का बोलता है, महाराज जी मेरे पिताजी सत्संग में रोज जाते हैं, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ घर में पिताजी करते हैं, उतनी लड़ाइयाँ घर में कोई नहीं करते हैं, ये तो मैं बाहर भी सीख सकता हूँ, फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? हम अपना कर्तव्य अदा करें, और कर्तव्य ही सबसे बड़ी पूजा है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करो से पूजा, जो कुछ करे से पूजा समझ करके करें। घर में भोजन बनाए पूजा समझ करके, घर की सफाई करे पूजा समझ करके, लोगों का आदर भाव करे पूजा समझ करके, ऑफिस जाए पूजा समझ करके, ड्यूटी करे पूजा समझ करके, स्कूल जाए पूजा समझ करके, जहां तक टॉयलेट की भी सफाई करे तो पूजा समझ करके, ये सबसे बड़ा धर्म है और यही कर्तव्य है हमारा। क्या हम ये कर पाते हैं? लोगों के मन में एक शिकायत कि मैं जैसा जीना चाहता हूं नहीं जी पाता हूं, मेरे बच्चे मेरे कहा नहीं मानते, मेरे पिताजी का अलग सोच है, ये है वो, इतनी सारी शिकायतें लेकर के चलते हैं और जीवन में अपना बदलाव, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम में वो शक्ति है। आज भी अवसर मिला है, आज हमको सुंदर शरीर मिला है, सुंदर मन मिला है, सुंदर विचार मिला है। बहुत से लोग हैं जो सुनना चाहते हैं लेकिन कान से सुनाई नहीं देता है।
बहुत लोग हैं जो सत्संग में आना चाहते हैं लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते हैं। हार्ट का पेशेंट है, वो चल नहीं सकते हैं, हार्ट का मरीज है। हम लोग भी तो नहीं मरीज हो गए हैं। बहुत लोग हैं जो सत्संग स्थल तक आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं क्योंकि बेचारा देख नहीं सकते। हम लोग तो ऐसे नहीं हैं। कितना सौभाग्यशाली है। प्रेम और आनंद की जिंदगी जिए। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, अपने घर को स्वर्ग बना ले। हर व्यक्ति के मन में होता है प्रश्न कि मेरा घर कैसे खुशहाल हो और घर स्वर्ग कैसे बने। इस पर चिंतन करना चाहिए। क्या पूजा और पाठ से घर स्वर्ग बन जाएगा? क्या तीर्थ यात्रा करने से घर स्वर्ग बन जाएगा? क्या मंदिर और मस्जिद जाने से घर स्वर्ग बन जाएगा? या क्या पूजा करने से जीवन बदल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि पूजा करने से जीवन बदल जाता हो। दुख की बात तो ये होती है जिसकी हमको पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते हैं और जिसकी हमको नहीं करना चाहिए कर लेना चाहिए वो भी चलो, लेकिन जिसको हमको प्राथमिकता देना चाहिए, प्रथम स्थान में रखना चाहिए, उसका पूजा तो नहीं करते हैं तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? घर स्वर्ग बनता है आपस के प्रेम से। घर स्वर्ग बनता है जिस घर में आपस में भाई और भाई एक साथ मिल करके मानो भोजन करते हो दोपहर का, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि को समय सभी ऑफिस से ड्यूटी से कहीं से भी आने के बाद में एक साथ मिल करके भजन और भोजन दोनों करते हो, एक दूसरे बड़ों का चरण स्पर्श करते हो, गले मिलते हो, मानो उस घर में रोज रोज होली का त्योहार है, हो रोज दीपावली का त्योहार है। आप सब हम एक बार मनाते हैं ना साल में। जीवन पैसे से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। पैसे से सुख ये थोड़ा लालसा लगती है। एक आदमी है और उस आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कमरे में बंद भी ना किया जाए, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तुमको गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, अन्न फल फ्रूट सारे चीज उनके कमरे में पूरा भर दिया जाए और उनको बोला जाए कि तुमको किसी से बात बस नहीं करना है, क्या आदमी चैन से जी पाएगा? आदमी को घुटन महसूस होगा, कहेंगे मुझे पैसा नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे बस आदमियों के साथ प्रेम से जीना चाहिए, जीना है बस। जीने का तरीका बदल जाएगा। हम जब जब हम अपने साथ अन्याय करते हैं या दूसरों के साथ हम जो करते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं, एक सूत्र है, जो दूसरे के जीवन में बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। यदि दूसरे के जीवन में नफरत का बीज बोते हैं मतलब अपने लिए वो काटते हैं फल। दूसरे के लिए वैर भाव रखते हैं, विमर्श का भाव रखते हैं मतलब हम अपने ही जीवन को कालुष बनाते चले जाते हैं। आज अवसर मिला है इसलिए हम बदलता है घर परिवार तब बदलता है जब हमारे अंदर वैचारिक परिवर्तन हो। वैचारिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन का मतलब है विचारों को बदलने से। हम सब कुछ बदल देते हैं, गाड़ी बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं, मोबाइल बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, रहने का सिस्टम बदल देते हैं। क्या जीवन को भी बदले हैं? क्या मन को भी बदले हैं? मन को तो नहीं बदले। फिर वही खुरापात। आदमी गंगा में स्नान करता है और स्नान करने के बाद लोग कहते हैं गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है, तो स्नान करने के बाद में उनके जीवन से छल छद्म खत्म होना चाहिए, राग द्वेष खत्म होना चाहिए, उनके दुर्गुण खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। जैसे गंगा स्नान करके निकलता है तंबाकू घसना शुरू कर देता है। स्नान करने से कहां बदला? इसलिए मैं कहा यदि सत्संग भी सुन रहे हैं और सत्संग सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हम क्या कर रहे हैं? एक आदमी यज्ञ करता है, हवन करता है, तर्पण करता है, मेवा मिष्ठान आग में डाल देता है, पूजा करता है, पाठ करता है, घंटों अगरबत्ती जलाता है, उसे कभी कभी हम लोग कड़वे शब्दों में कर्मकांडी कह देते हैं। और मैं कहूं
यदि आज भी हम सत्संग सुन रहे हैं और जीवन में बदलाव नहीं लाए तो हम लोग भी तो कर्म कांड कर रहे हैं ना। वैचारिक परिवर्तन चाहिए। पूजा और पाठ से ज्यादा परिवर्तन नहीं। हाँ, पूजा पाठ मैंने कहा प्रथम स्थान किसको देना चाहिए वो भूल जाते हैं। आदमी किसको देते हैं प्रथम स्थान? या तो पत्थर की पूजा करते हैं, या मूर्ति की पूजा करते हैं, या कागज का पूजा करते हैं, या और कोई चीज का पूजा करते हैं, लेकिन सत्य चीज क्या है उसकी पूजा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं मैं कबीर साहब का पूजा करता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ क्या कबीर साहब है उसकी पूजा करते हो? कबीर साहब तो है ये नहीं। ये तो आप कागज की पूजा करते हैं, या पत्थर की पूजा करते हैं, या मूर्ति की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहे हैं आप मुझे दिखा दीजिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने डंके के चोट में कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। और परिवार में विस्फोट यही वजह से आता है। किसकी पूजा करना चाहिए ज्ञान ही नहीं हुआ। हमने एक मूर्ति बनाया, स्थापना किया, पूजा कर दिया। एक मंदिर बनाया, पूजा कर दिया। क्या हमको जिन्होंने बनाया उनकी पूजा करते हैं? जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया उसकी पूजा करते हैं? इतना श्रद्धा और भाव से मंदिर में जाकर के भगवान को स्नान कराते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, क्या कभी जीवन में एक बार इतना प्रेम से अपने माँ बाप के साथ किए हैं? कभी माँ बाप को स्पेशल चंदन लगाए हो, तिलक लगाए हो, आरती उतारे हो? क्या भगवान ने हमको बनाया है? जिसको आप भगवान समझते हैं असली भगवान तो माँ बाप है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद में मेरी मूर्तियों की पूजा करना, लेकिन चलता है ये भी। मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से करीब ये 6 महीना पहले की बात है, एक जगह है आरंग, आरंग के 30 किलोमीटर बगल में एक जगह है सकरी। वहाँ एक पुजारी है, एक महंत है। वो करता क्या है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे देखे आंखों हाल है, घटना है, उसको बता रहा हूँ। आप पूजा करना है करिए, लेकिन पहले प्रथम स्थान किसको देना है इसको महत्व दीजिए कह रहा हूँ। दूसरी स्थान में है उसकी मूर्ति की आप पूजा करते हैं करिए, जिस भगवान को मानते हैं मानिए, लेकिन पहला भगवान आपके घर के माता पिता है। वो हुआ क्या था, वो एक महंत है, वो महंती करते हैं। महंती का मतलब चौका करते हैं, उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं। लेकिन जब आदमी को जरूरत पड़े तो उनके घर में जाते हैं, उनके घर से गांजा भी खरीद के लाते हैं। और वो आदमी जेल में सड़ रहा है, आज भी जेल में है वो। आज भी वो व्यक्ति जेल में है और वो गांजा बेचने में पकड़ा गया तो जेल में है। और उनकी पत्नी ने किया क्या, पैसे और लोभ के लालच में अपने ही सासु माँ के गले दबा करके उसकी मौत कर दी। घटना ये हुई, ये अक्टूबर की घटना है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। वो चले गए गांजा की वजह से जेल में, गांजा बेचने की वजह से महंत जी जेल में, और उनकी पत्नी अपनी सासू माँ की हत्या कर दी। जब जब उसको डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले गए, दफनाने के लिए ले गए तो वहां पर से उनके पुत्र को लाया गया, उसके साथ में पुलिस भी आया, क्योंकि वो जेल में थे इसलिए उसके साथ में पुलिस आया। और पुलिस देखे, बस इतना ही था कि उनकी मिट्टी होते तक उनके साथ रहना है, फिर तुरंत वापस जेल चले जाना है। वो पुलिस आए और जैसे ही उसका सिर खोले और सिर खोले, अपने बच्चे, उनका बच्चा उनका दर्शन करना चाहता था, देखिए पुलिस उसके नाखों से, कान उनके नाक से ब्लड बहा है। तुरंत पुलिस लोग दिए और उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में, और वहां ले जाकर के ऑपरेशन हुआ उसका, तो पता चला इसको गला दबा करके मारा गया है। पता चला कौन रहते हैं घर में, छानबीन हुई, पुलिस ने प्रताड़ित किया। उनकी पत्नी बोलती है मैंने मारी। अंतिम में वो भी जेल में चले गए। कहाँ गए, पूजा पाठ कहाँ गया? पैसा के लोभ में, लालच में आकर के महंती भी करते रहे, इधर गांजा भी बेच रहे हैं। जीवन में बदलाव, पहला प्रथम स्थान है हमारे माता पिता का, गुरुजनों का प्रथम स्थान है। उन्होंने हमको इस दुनिया में लाया और उनके साथ
प्रेम का वर्ताव करे, ये सबसे बड़ी पूजा है। सेकेंडरी जो हम पूजा करते हैं ना, मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मैं उसको सेकेंडरी समझता हूँ, प्रथम कभी नहीं हो सकता हूँ। जो आदमी अपने माँ बाप का पूजा करेगा, क्या अपने माँ बाप के साथ नफरत का बीज बोएगा? यदि आज भारत देश में ये सही बड़ी विडंबना है, आज हिंदू विश्व परिषद वाली इतने जोर लगाते हैं भगवान भगवान भगवान, इतना भगवान की जप है, असली भगवान को तो जान ही नहीं पाए हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान, हनुमान भगवान, ना जाने कितने भगवान पैदा कर दिए। आप करिए पैदा, लेकिन प्रथम भगवान कौन है उसको उन्होंने नहीं बताया। उसके कारण बताऊं, इसके पीछे है एक पंडितों का जाल है। अगर पंडित पहले बता दे कि इंसान ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है, तो उसको यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, पाठ नहीं होगा। और एक बुरी बात यह है, मैं क्षमा चाहता हूं, और ये बात कबीर पंथ में भी चालू हो गया। कबीर पंथ में जिस बात को सदगुरु कबीर ने डंकी के चोट में, मैं पहले ही कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खायो संसार। लेकिन आज कबीर पंथी कबीर की मूर्ति पूजा करके पूजा करते हैं। जिस चीज का कबीर साहब ने विरोध किया, उस चीज को कबीर पंथियों ने बढ़ाया। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा करना, श्री राम ने कभी नहीं कहा था, कृष्ण ने कभी नहीं कहा, बुद्ध कबीर याद आ गई, बुद्ध की बात आई तो भगवान बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध का वर्चस्व इतना चला, जहां चलते थे बुद्ध उनके साथ में हजारों भिक्षु चलते थे। भगवान बुद्ध के जाने के बाद में बुद्ध के उनके अनुयायियों ने महाराजाओं से मिल करके 70-80 फीट 100-100 फीट की मूर्तियां स्थापना करवाना शुरू कर दिए। लोगों से पैसा वसूलते और मूर्ति स्थापना करना शुरू कर दिए, और जीवन में आचरण एकदम छिछला पड़ता चला गया। अंडा मांस मछली सब चलता रहा उनके जीवन में, कोई बुराई का रोक नहीं, बस मूर्ति स्थापना करते गए। साधना ध्यान भजन जो भगवान बुद्ध की जो बुद्धत्व था वो लुप्त हो गया। धीरे 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 आज हमारे भारत देश को धर्म प्रधान देश भगवान बुद्ध के वजह से कहा जाता है, और आज पूरा बुद्धत्व ही समाप्त हो चुका है। यहाँ बुद्ध की परंपरा खत्म हो चुकी है। कौन खत्म किए बताऊं? जो बुद्ध के अनुयायी थे वही लोग बुद्ध को खत्म कर दिए। बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करके, बुद्ध के नाम पर कर्म कांड करके बुद्ध के बुद्धत्व को पूरा खत्म कर दिया, और वही आज स्थिति कबीर पंथ में भी है। कबीर पंथ में वही चल रहा है, जहां हम सदज्ञान और आचरण की बातें करना चाहिए। अभी एक चलते हैं, अभी जेल में चल रहा है उनका, कहते हैं कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और मैं कबीर साहब का अवतार हूं, अवतार जेल में सड़ रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। मैं लोगों से ये पूछता हूं, यदि आप कबीर वो यहां तक भी कहते हैं मैं कबीर साहब के अनुयायी होती हुई, मैं कबीर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कबीर साहब के विचारों को व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है, मेरा छोटा सा प्रयास है। कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्मा मानते हैं, और यहां तक कहते हैं कि कबीर साहब से सृष्टि शुरू हुई। सृष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड। आज हमारे मात्र भारत देश में 135 करोड़ आबादी है, पूरे भारत में करीब करीब 8 करोड़ आबादी है, 8 अरब आबादी है। मात्र भारत देश में 135 करोड़ आबादी में आपके 15 करोड़ भी कबीरपंथी नहीं है, 15 करोड़ मात्र कबीरपंथी होंगे, 120 करोड़ लोग कबीरपंथी नहीं है। तो क्या सदगुरु कबीर के अनुयायी नहीं है तो उनका जीवन नहीं चलता है? उनके घर नहीं बसते हैं, उनके मकान नहीं चलते हैं उनके हिसाब से? और मैं कबीरपंथी उसको कहता हूं, बताऊं, कबीरपंथी उसको कहता हूं जो एक सही मार्ग पर चले, जिसके जीवन में छल छदमा ना हो। कबीर का मतलब ही होता है महान, और पंथ का मतलब होता है रास्ता। बस कबीरपंथी का मतलब ये नहीं कि कबीर का साहब के फोटो की आरती की पूजा करे वो कबीरपंथी, जो चौका करा दे वो कबीरपंथी, जो गुरु से दीक्षा ले वही कबीरपंथी। मैं इतना ही को कबीरपंथी नहीं कहता। मैं ये तो सेकेंडरी है, प्रथम क्या है? जो कबीर साहब के बताए मार्ग पर चले वो कबीरपंथी है। मैंने बात अपनी शुरू की थी,
अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाए। ये बीच में आया, ये कर्म कांड पाखंड धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा किया। आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं आपस के प्रेम से। मैं कल भी थोड़ी चर्चा किया था कि प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने के लिए 80 साल लग जाता है, लेकिन आदमी नहीं समझ पाते हैं प्रेम शब्द को। प्रेम शब्द को जीना होगा तब आपका घर स्वर्ग बनेगा। हर मन बच्चे के मन में शिकायत होती है कि बच्चे कहाँ नहीं मानते। क्या आप बच्चे को वो पाठ पढ़ाते हैं? क्या आपके जीवन में परिवर्तन होता है? क्या आपके घर को स्वर्ग बनाने की तैयारी आप कुछ करते हैं? आज अवसर मिला है, माता पिता मिला है, आज अवसर मिला है, आज प्रेम से उनकी सेवा कर ले। आप चाहेंगे 50 साल बाद में मैं अपने माता पिता का सेवा करूं? आपको अवसर नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है अवसर। जिनके माँ बाप नहीं उतरसते हैं माँ बाप के लिए, वो सौभाग्यशाली परिवार है जिस परिवार में सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता है, जहां नफरत नहीं, आपस में प्रेम की जिंदगी जीते हैं। आप नहीं चाहते हैं आपके घर में माँ और बेटी की तरह सास और बहू का जीवन हो? आपकी सासू माँ को इतना हक नहीं है कि अपने जीवन की पूरी संपत्ति को आपके ऊपर दांव में लगा देते हैं? आपके ससुर जी, आपके सासू माँ पूरे जीवन के संपत्ति को आपके लिए लगा देते हैं, इतना हक नहीं आपको कभी दो कड़वे शब्द बोल सके? आप क्या लेकर के जाते हैं ससुराल में? आपका इतना उनका इतना हक नहीं कि अपने ही पुत्र को दो कड़वे शब्द कभी हो तो बोल सके? कभी हो सकता है आपकी गलतियां ना हो, पर भी आपके बेटे, आपके पिता, आपके सासू, आपके ससुर जी आपको कड़वे शब्द बोल दे, आपके माँ कड़वे शब्द बोल दे, कभी उनकी गलतियां नहीं होते भी आप कड़वे शब्द को सुन करके हजम कर लेंगे ना, तो आपके लिए अमृत रसपान हो जाएगा। अमृत रसपान। हम अपने ही जीवन में दुख का कांटे बोते हैं, हम अपने ही जीवन में नफरत का बीज बोते हैं, हम और चाहते हैं हमारा घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग आप अपने घर को, पैसे से स्वर्ग नहीं बनता, मैं पहले ही उदाहरण दिया। घर स्वर्ग बनता है आपस के प्रेम से। आपस में जितना ही प्रेम होगा उतना ही आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके घर का विकास होगा। एक घटना बताऊं, एक संत जी रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते देखते हैं कि एक माँ, बुढ़िया सी माँ, करीब करीब 80 से 90 साल की अवस्था रही होगी, उनकी इतनी नाजुक स्थिति, चमड़ी आई, उनकी हाथ की कलाई जोर से पकड़ा जाए तो चमड़ी भी छिल सकती थी, इतनी नाजुक शिथिल शरीर। उसको एक बेटी बड़े प्यार से नहला रही थी। उतना में संत उधर से गुजरते हुए पूछते हैं देख कर की स्थिति, बेटी क्या तुम्हारी ये माँ है, बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी, ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। संत जी को रहा नहीं गया, फिर पूछते हैं क्या तुम्हारी सासू माँ है? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी, मेरी सासू माँ नहीं, उससे बढ़कर के रिश्ता है। वो संत को बहुत आश्चर्य हुआ, माँ और सासू माँ से बढ़कर के इस रिश्ता क्या हो सकता है? वो पूछते हैं, जब तुम्हारी माँ और सासू माँ नहीं तो आखिर है तो कौन? वो कहते हैं, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई अपने सासू माँ के साथ नफरत का बीज बोएगा, गलत व्यवहार करेगा? पूज्यवर साहिब जी आ रहे हैं, आप सभी लोग स्वागत में खड़े हो जाएं। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय। आगे बढ़ जाएं आप सब लोग, आगे आगे आके बैठेंगे, आगे आ जाए। बोलिए सतगुरु देव की जय। अभी सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं कह रहा था, जिस माँ और सासू के बीच में उतना प्रेम हो, क्या वो नफरत का बीज बोएंगे? इसलिए हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हम अपने ऊपर है जीवन को मोड़ना,
हम परिस्थितियों का दास नहीं है। हम परिस्थिति को अपने हिसाब से हम ढाल सकते हैं। परिस्थिति के हिसाब से नहीं ढाल, परिस्थितियों को नहीं ढाल सकते तो परिस्थिति के हिसाब से हम ढल सकते हैं, हम बदल सकते हैं अपने को। जैसा चाहे हम वैसा जीवन जी सकते हैं। इसलिए आपस में यदि आप प्रेम करना सीख जाते हैं, सद्गुरु कबीर की वाणी ढाई आखर प्रेम का इस पाठ को पढ़ लेते हैं, जीवन में आचरण कर लेते हैं, तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार में इतना प्रेम से रहे, सास बहु में, देरान जेठान में इतना प्रेम हो कि बच्चे को कभी लगे मत कि हमारी माँ या और बड़ी मम्मी में आपस में नफरत है, ऐसा कभी एहसास मत हो। सास और बहू में कभी झगड़ा और लड़ाई हो ऐसा एहसास मत हो बच्चे को, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। एक घटना बताऊं फिर अपनी बात समाप्त करूं। एक घर है जहां सासू और सास और बहू रोज आपस में लड़ाई, लड़ाई की स्थिति इतनी दर्दनाक होती थी कि अंतिम में रोते रोते रोज कमरे में चली जाती थी सासू माँ, रोज कमरे में जाती थी। बहुत तेज तर्रार, और जो कुछ तेज तर्रार हो सोच ले अपने लिए क्या स्थिति हो सकती है आपके साथ। बहुत तेज तर्रार बहु और सासू माँ रोज लड़ते लड़ते कमरे में जाती। एक घटना, रोज उनका बेटा देखता था छोटा सा। होता यह है एक दिन की रोज की तरह रोते रोते उनकी सासू माँ कमरे में गई और रो रही थी। इतना में उसका छोटा सा पोता उसके पीछे पीछे गया और पीछे पीछे गया और अपनी दादी माँ का पल्लू उठाता है और अपनी दादी माँ का पल्लू उठा करके आंसू पोंछते हुए बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी से कहूंगा कि तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि वो हमेशा अपने सासू माँ से लड़ा करती थी। क्या आप यही चाहते हैं? यदि कहीं खुदा न खास्ता आपके सासू माँ की गलती हो पर भी आप चुप हो जाइए, आप सहम जाइए, स्वीकार कर लीजिए, कब तक बोलेंगे? उन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई आपको दे दिया, आपके लिए निछावर कर दिया। 5 साल 10 साल बोलने दीजिए, उनकी जिंदगी है, सुन लीजिए, आपका क्या बिगड़ जाएगा? बहुत बोलने वाले को अंत में मौन साधना होता है। यदि आप मौन रहना शुरू कर देंगे तो बहुत बोल रही आपकी सासू माँ भी एकदम साइलेंट हो जाएगी, कुछ दिन में नहीं बोलेगी आपको, कुछ नहीं बोलेगी, वो भी चुप रहना सीख जाएगी, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बदली अपने जीवन को, वैचारिक क्रांति की इसलिए जरूरत है। आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, आप करिए, वो सेकेंडरी है, मैंने पहले ही कहा, प्रथम स्थान है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको सम्मान दे, आपके बच्चे आपका कहाँ माने, तो आज से आप शुरू कर दीजिए कि आप अपने घर में अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, माता पिता को अभिवादन करिए। कभी अवसर मिले तो आरती पूजा कर लीजिए, कभी अवसर मिले तो उनको दीप से पूजा करते हैं, दीप जला करके, और कभी कभी उनके स्वागत के लिए आप कुछ अच्छे चीज ला करके उसको गिफ्ट में दीजिए, भेंट दीजिए, हार चढ़ाइए। कितना खुशी होगा उस माँ बाप को कि आज मेरे बेटे मेरी इतना प्यार से स्वागत करते हैं। आप नहीं चाहेंगे आपके बुढ़ापे में ऐसा हो कि मेरे बच्चे मेरे सम्मान करे, मेरे बच्चे मेरे कहाँ माने? कितना एक मन में एक दुख, बुढ़ापे में हर आदमी पीड़ित रहता है, हर आदमी पीड़ित रहता है, और उस पीड़ित व्यक्ति को आप प्यार देते हैं, उस पीड़ित व्यक्ति को आप सम्मान देते हैं, कितना खुश होगा वो, उनके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। यदि आप अपने जीवन में चेहरे में चमक चाहते हैं, अपने बुढ़ापे में अपने चेहरे में मुस्कान चाहते हैं, अपनी मन की प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हैं, तो वो काम आज से शुरू करना होगा। उसके बाद सेकेंडरी पूजा आप जिसकी करते हैं, कबीर की, बुद्ध की, महावीर की, राम की, कृष्ण की, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो सेकेंडरी है। प्रथम स्थान माता पिता है, प्रथम स्थान संत गुरुजन है। उन्हीं के बदौलत आज हमको सद्बुद्धि मिलती है। कई लोगों की बुद्धि जब आत्मा से नहीं मेल खाती है ना, तो जड़ पूछते पूछते जड़ा जाते हैं,
और इसलिए स्पष्ट उदाहरण है, जड़ पुत्ते पुत्ते आदमी की बुद्धि जड़ बन जाती है, इसलिए मंदिरों में हलाल होता है ना, उसकी बुद्धि जड़ तो हो गई है। जहां बकरे मुर्गे मारते हैं हलाल किया जाता है, क्या उसके इंसान कहा जाएगा, क्या उसको धार्मिक कहा जाएगा, क्या उसको पुजारी कहा जाएगा, कोई धार्मिकता है यही? जहां मुर्गी मछली मुर्गी मछली इतना आदमी मार देते हैं, बकरा मार देते हैं, इंसान का दया नाम का धर्म नहीं इंसानियत में, तो कैसा जीवन है? इसलिए आप इंसानियत को समझे और अपने घर को स्वर्ग बनाए। आपस का प्रेम सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। मैं कुछ देर आप लोगों के बीच कहने का प्रयास किया, बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सत्संग में आए और आनंद न मिले तो फिर सत्संग में आने का लाभ नहीं होगा। सत्संग में जब हम आते हैं, सत्संग करें क्यों, सत्संग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें कोई चीज भी नहीं मिल जाता है, कोई बाहर से धन नहीं मिलता है हमको, बाहर से कोई प्राणी और पदार्थ नहीं मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम सत्संग में आते हैं, संतों के वाणी को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञान की बातों को सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रभाव पड़ता है, हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें संग्रहित होती है और उन अच्छी बातों को हम अपने जीवन में लाते हैं। सत्संग में हम सत्संग से हमारे जीवन में सुधार आता है, सत्संग करने से हमें ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन की जो दुख है वो दूर होता है, क्योंकि हम दुखी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख लगा हुआ है, हमारे जीवन में दुख बना हुआ है, हमारा मन कहीं ना कहीं अशांत बना हुआ है। उस मन की अशांति को दूर करने के लिए हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि जो मन हमारा अशांत है, जो हमारा मन आज दुखी है, वह कहीं धन प्राप्त कर लेने से हमारा मन किस मन का दुख दूर नहीं होता है। जब पद को प्राप्त करने से हमारा मन का दुख दूर नहीं होता है, पद को प्राप्त करने वाले लाखों लोग हैं, देखो बड़े बड़े पद में है, कोई मंत्री मिनिस्टर में है तो कलेक्टर में है, कोई और कहीं कहीं के बड़े बड़े उपाधि है उनके जीवन में, लेकिन क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? मंत्री है, कलेक्टर है, प्रधानमंत्री कहो, राष्ट्रपति कहो, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? क्या वे शांत हो चुके हैं? क्या उनका मन में शांति है? यदि पद में शांति और सुख होता तो बड़े बड़े पदवान हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, आज सुखी होते, बड़े बड़े धनपति वे सुखी होते, संतों के चरण में आकर के उनके चरण को धोकर के पीते नहीं, संतों के पास ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए बैठते नहीं, लेकिन वही मंत्री जो बड़े 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 पद में जो हैं, बड़े बड़े पद पा करके बैठे, वे लोग भी अपने जीवन में कहते हैं कि पद तो हमको मिला हुआ है, बड़ी हमारी प्रशंसा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। बड़े बड़े धन हैं, बड़े बड़े धन वाले हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, यदि धन में सुख होता तो वो धन को पाकर के सुखी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि धन से सुविधाएं हमको मिलती है। कल सुन रहे थे साहब जी से कि बड़ा सुख और छोटा सुख, बता रहे थे साहब जी कि बड़ा सुख क्या है, जो हमारे साथ चले, जो हमारे सदैव साथ रहे, वो क्या है? बड़ा सुख है, वो क्या है? मन की शांति, आत्मिक सुख। और छोटा सुख क्या है? जो बाहर से प्राणी और पदार्थ के रूप में हमें जो प्राप्त होता है, जो आज मिला है और कल छूट जाने वाला है, ये क्या है? छोटा सुख है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारे पास हम सुखी और दुखी किस कारण से होते हैं? यदि
एक कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति हो, जो साधारण व्यक्ति हो, रोज कमाता और रोज खाता है, और वैसे आदमी जो अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में असक्षम है, अब उसको कहो कि आप आत्मचिंतन करो, सत्संग में जाओ, संतों के पास घंटों बैठो, तो बेचारे को अपने पेट पालने के लिए फुर्सत नहीं है, परिवार पालने में ही फुर्सत नहीं है, तो अपने सत्संग के लिए कहाँ टाइम निकाल पाएगा, अपने आत्मिक संतोष के बारे में कहाँ उनके पास सोच विचार बन पाएगा उनका। इसलिए धन में तो आपको आवश्यकता है, धन की धन को नकारा नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साधु न भूखा जाए। यदि आपके पास धन ही ना रहे, आप भरण पोषण अपने ही पेट न भर पाए, अपने उदर का पोषण न कर पाए, अपने ही परिवार का भरण पोषण न कर पाए, तो आप दूसरे चीजों के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। कहीं आपका मन लगेगा नहीं, क्योंकि आप सत्संग में भी चले जाएंगे तो आपका मन कहाँ लगा रहेगा, वही धन के पीछे हमारा मन लगा रहेगा। इसलिए धन तो इतना चाहिए ही कि हमें संतुष्टि मिले, हमें पर्याप्त इतना धन मिल सके कि हमारे रहने के लिए, खाने के लिए और हमारे परिवार के पोषण के लिए इतना धन तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कहीं हम आगे सोच सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास धन नहीं है, जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, जो गरीब व्यक्ति है, उनके बारे में सोच, उसके बारे में छोड़ दे बात। लेकिन जिसके पास पर्याप्त धन है, जिसके पास अतुल संपत्ति है, क्या वे लोग भी सत्संग कर पा रहे हैं? क्या वे अपने बारे में सोच पा रहे हैं? धन में सुख, सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा, धन में सुख ढूंढने वाले धन वाले से पूछ लो, कहीं चैन नहीं मिलता है। धन में सुख चैन नहीं मिलेगा, मिलता है जब हमारे अंदर का सोच बदलता है। धन में सुख है, सुख तो मिलेगा, क्योंकि धन से आपको सारी सुविधाएं मिलती है, गाड़ी ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं। देखो यदि धन ना होता तो मकान नहीं बनाते आप, तो ठंडी गर्मी में आप दुखी बने रहते हैं, आपका मन दुखी होते रहता है। अब यदि आपको कहीं जाना है, सुविधाओं को प्राप्त करना है, तो बिना सुविधाएं के आप कहीं जा नहीं सकते, तो गाड़ी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। लेकिन धन की आवश्यकता है, उसके साथ साथ धन आपको वो जो सुख जो कह रहे हैं, जो आत्मिक सुख, जो आत्म सुख कहते हैं, वो उस धन से प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कमाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा। यदि धन मात्र से सब कुछ मिल जाता तो धन से हम खरीद लेते, लेकिन अब धन की आवश्यकता के साथ साथ में हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धन से नहीं हो सकती है। हमारे बाहरी प्राणी और पदार्थ जो होते हैं, उनकी अब उस बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन हमारे आंतरिक खुराक है, उसके पूर्ति धन से नहीं हो सकती है। धन से हम अपने पेट को भर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आत्मा की जो खुराक है, उसको धन से पर्याप्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कमाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सत्संग में जाना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्योंकि आज जिन्होंने भक्ति करके, जिन संतों को हम जानते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनके आत्मिक सुख को देख करके हमको लगता है कि ये आदमी भक्तिवान है, ये आदमी का जीवन कितना सुंदर और सुधरा हुआ, सुदृढ़ है, हम देखते हैं, तो हमारे मन में भी लगता है कि आदमी कैसे। और ऐसे ही नहीं, भक्ति में लगने के बाद केवल आत्मिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि बाहरी विकास भी होता है। भक्ति में लगने से हमारे जो व्यवहारिक जीवन है वो सुधर जाता है, हमें
जब हम भक्ति में लगते हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उन ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जीवन के जो व्यवहार है उनको हम सुधारते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें परिवार के लोगों के साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए। ये हमें वहां से सीख मिलती है, हमें वहां से समझ प्राप्त होती है। उन समझ के अनुसार से हम यदि जीवन जीते हैं तो हमें उस सुख की अनुभूति होती है। हमें पता ही नहीं है परिवार के लोगों के साथ में कैसे बर्ताव करना है, कैसे व्यवहार करना है, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, ससुर के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। चिड़चिड़ा हो तो चिड़चिड़ापन यदि हमारे मन में है, कहीं हमें किसी के बाहर पसंद नहीं है, किसी की बात पसंद नहीं है, तो हम थोड़े में झुंझला जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में हम क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में अपने अपने मन को असंतुलित कर लेते हैं, और उनके परिणाम क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कटु वाणी का प्रयोग कर लेते हैं। जब हमारे जबान से जब कटु वाणी निकलती है ना, तो दूसरे सामने वाले के हृदय को बेध करके पार कर जाती है, उनके मन के उनके हृदय को बेध देता है, उनके मन को दुखी कर देता है। तो ऐसे जो व्यवहार से जो हमारा जब हम दूसरे के मन को चोट पहुंचाएंगे, दूसरे के मन को आहत करेंगे, तो सामने वाला क्या हमारे हमसे प्रेम का बर्ताव करेंगे, क्या उनके वाणी से कटु व्यवहार नहीं करूं, उनके जुबान से क्या कटु वाणी नहीं निकलेगा। जैसे हम बर्ताव करते हैं, जैसे हम करते हैं, सामने वाला भी वैसे ही हमसे बर्ताव करेगा। पत्नी के कुछ अनुकूल व्यवहार को देख करके, पति के कुछ प्रतिकूल व्यवहार देख करके हमारा मन खिन्न हो जाता है। तो ऐसे खिन्नता खिन्न भरा मन से हम शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राप्त कर पाएंगे जब अपने मन को शांत, जब हम हमारा मन शांत होता है तो कोई भी काम, जब हमारा मन प्रसन्न रहता है, मन हमारा शांत रहता है, तो हम कोई भी काम करते हैं बड़े सुंदर ढंग से होता है। किसी से बात करते हैं तो मीठी वाणी निकलती है, किसी के काम को देख करके प्रशंसा करने लग जाते हैं। जब वही हमारा मन दुखी होता है, वही जब हमारा मन अशांत रहता है, तब दूसरे के अच्छे के अच्छे काम को देख करके कहीं ना कहीं हम नुस्ख निकाल लेते हैं, गलतियां ढूंढ लेते हैं। और यही जो आदत, जो गलती निकालने का, नुस्ख ढूंढने का जो हमारी जो बुरी आदतें हैं ना, वही हमारे जीवन को आसान करता है, वही हमारे जीवन को दुखी बनाता है। इसलिए ऐसे काम करें, ऐसे बर्ताव करें, ऐसे जीवन जिए, हमारा जीवन तो सुखमय और शांतिमय बने ही बने, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के जीवन भी हमारे जीवन को देख करके सुखमय और शांति बने। ऐसे हमें आदर्श प्रस्तुत करें। पत्नी है तो पत्नी का आदर्श प्रस्तुत करें, पति है तो पति का आदर्श प्रस्तुत करें, माँ बाप है तो माँ बाप का आदर्श। हम सबका अपना अपना कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाते रहें तो हमारा जीवन निश्चित ही सुखमय और सफल हो सकता है। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हमारे मन में लोभ होता है, कहीं ना कहीं हमारे मन में स्वार्थ जगते रहता है। हम अपेक्षा ज्यादा रखते हैं पति से, पत्नी से, माँ बाप से, बच्चे से अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, और यही दुख का कारण बन जाता है। अपेक्षा रहित यदि हमारा जीवन बनता है, यदि अपेक्षा रहित हम अपने जीवन को बनाते हैं, तो उसमें कोई समस्या हमारे जीवन में आती नहीं है, आने का जगह नहीं है। लेकिन हम अपेक्षाएं ज्यादा रखते हैं कि माँ बाप हमारे से अच्छे बर्ताव करें, बच्चे मेरे हर बात को माने, कैसे हम अपेक्षा, क्या हमारी सारे अपेक्षाएं पूर्ति हो सकती है, हो तो सकती है, लेकिन हम सामने वाले की जो अपेक्षा हमसे रखे उनको भी तो हमारा ध्यान, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं, पत्नी हमसे क्या चाहते हैं। हम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाते चले तो निश्चित ही हमारा जो व्यवहारिक जीवन है,
जो व्यवहार हम करते हैं परिवार के लोगों के साथ में, पड़ोसी को साथ में, समाज के लोगों के साथ में, तो हमारा जीवन अच्छा बनते जाएगा। कई हम झगड़ा लड़े, विवाद करें, लड़ाई झगड़ा में अपने मन को फंसाते हैं, कटु वाणी का प्रयोग करते हैं, तो फिर हमारा जीवन सुखमय और शांतमय नहीं बन पाएगा। यदि हम सत्संग में जाते हैं, इसीलिए संत कहते हैं कि सत्संग में चलो, ज्ञान की बातों को सुनो, सत्संग में हमें सीख मिलती है। संत जन बताते हैं कि व्यवहार कैसे करना चाहिए। आज जिन संतों को, जिन लोगों को हम, जिनके जीवन को हम अच्छा जीवन देखते हैं, उनसे हम एक, हमारे लिए क्या है, एक आदर्श बन जाता है। चाहे कबीर को कहें, बुद्ध को कहें, महावीर को कहें, चाहे जो भी महापुरुष को आप ले लीजिए, उनके जीवन हम लोगों के जैसे भी उनका भी जीवन था, लेकिन आज उनको याद क्यों करते हैं, उनको आज पूजते क्यों हैं, आज उनको, उनके सामने जाकर हमारा सिर झुक क्यों जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बनाया, उन्होंने अपने जीवन को तपाया, अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के कलिमस को उन्होंने धोया। और कहां धोया? गुरुजनों के पास जाकर, सत्संग में जाकर। यदि उन्होंने अपने जीवन के कलिमस को न धोए होते, अपने जीवन को निर्मल नहीं बनाए होते, तो आज हम उनको याद नहीं करते, आज हम उनको नमन नहीं करते। जब हम किसी संत की पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनके लेखनी को पढ़ते हैं, तो उनके जीवन दर्शन हमारे सामने आ जाता है, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, उनका जीवन कैसे रहा होगा, वो कैसे जीवन जिए होंगे, किस रास्ते से चल के अपने मन को निर्मल बनाया होगा। तो एक संत हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं। जो अच्छे जीवन जीते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आदर्श बन जाते हैं। हम भी वैसे जीवन जी सकते हैं। कब? जब हम अपने मन के विकारों को निकाल फेंके, अपने अंदर के जो स्वार्थ है उनको निकाल फेंके। ऐसी कहां मिलेगी हमें? सत्संग से, गुरुजनों से। और हम सत्संग में ही ना जाए, गुरुजनों के ही पास ना जाए, तो फिर सीख कहां से मिलेगी? क्योंकि जो हम बुरी आदतें हम बना चुके हैं, देख, एक बाहरी बुरी आदतें होती है, एक आंतरिक बुरी आदतें होती है। बाहरी क्या है? चोरी करना, शराब पीना, डाका डालना, गाली गलौज करना, ये क्या है? बाहरी बुरी आदतें हैं। लेकिन आंतरिक में क्या है, जो दिखता नहीं है? ईर्ष्या करना, द्वेष करना, निंदा, ये क्या है? आंतरिक बुराई। बाहरी बुराइयों को लोग त्याग जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को दिखता है, डर से कहे, भय से कहे, जिस किसी प्रकार से, उससे तो बचा रह जाता है। लेकिन हमारे जो आंतरिक जो बुराइयां है, उनसे हम बच नहीं पाते हैं। आंतरिक बुराई हमें खोखला करते चले जाता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम हमारे अंदर के जो बुराई है, जो भीतर जो हमारे राग और द्वेष का, अहंकार का, जो हमारा दिन 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 दिनों दिन हमें खोखला करते जा रहा है, उन बुराइयों को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी जो बुराई है तो उसको छोड़ जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं, लोग टोकते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे आंतरिक बुराई को लोग नहीं समझ पाते, हम ही नहीं समझ पाते हैं। समझ कहाँ आएगी हमें? जब हमें कोई परखाने वाला होगा, हमें कोई समझाने वाला होगा, हमें कोई बताने वाला होगा, तब हम समझ करके उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम अपने से अलग कर सकते हैं। इसलिए सत्संग, मैं पहले ही कहा था, सत्संग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में दुख है, हमारा जीवन, हमारे मन अशांत है। उस अशांत को, अशांत मन को शांत करने के लिए, हमारे जीवन में जो कलिमस है, हमारे मन में जो विकार है, उन विकारों को धोने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करें, ज्ञान की बातों को सुने। लेकिन एक भी बात और है,
हम संत के पास ज्ञान की बात तो सुनने चले जाते हैं, ज्ञान की बातों को तो सुनते हैं, लेकिन सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा कि और सुनने मात्र से हमारा जीवन सवर नहीं जाएगा, बन नहीं जाएगा, बल्कि जो ज्ञान की बातें हम सुनते हैं उनको जीवन में जब तक फॉलो नहीं करेंगे, लाएंगे नहीं, तब तक के हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हम बड़े सत्संगी बने जाते हैं, बड़े धार्मिक बन जाते हैं, लेकिन घर में जाकर के वही बुरी आदतें, गाली देना, गलौज करना, निंदा करना, चुगली करना, ये नहीं छूट पाया तो हमारे सत्संग करने का कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए जहां के भी हम अच्छी बात, जहां से जहां कहीं से भी हो हमें अच्छी बातें मिलती हैं, उनको अंदर ग्रहण करें, उसको बचाए। कहा जाता है जो ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, जैसे जानवर जुगाली करता है, भोजन जो करता है उसको कहते हैं जुगाली करते हैं, बाद में तब वो भोजन पचता है। ऐसे ही यदि हम किसी को क्षमा करना, किसी पर दया करना, संतोष करना, ये क्या है, सद्गुण है। इन सद्गुणों को हम रिपीटेशन करें, बार बार वही करते रहें। जैसे कोई हमें गाली दे देता है, निंदा कर देता है, तो क्या हम भूल पाते हैं उसको? क्यों नहीं भूल पाते हैं? क्योंकि वही दृश्य, वही शब्द हमारे मन में घूमते रहता है, बार बार हमें वही याद आती रहती है, और उसके लिए हम भूल नहीं पाते हैं, बार बार उसी को याद करना नहीं भूल पाते हैं। लेकिन अच्छी बातों को हम बार बार याद नहीं करते हैं। सत्संग में अच्छी बातें सुनते हैं, उसको बार बार हम याद नहीं करते हैं। आज सुने हैं और कल भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिपीटेशन नहीं किया, बार बार उसको याद नहीं किया। इसलिए अब सकते हैं जो हम बात सुनते हैं, जो बात हम जानते हैं, उसको बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सत्संग का लाभ तभी होगा, हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो हमारे जीवन में दोष है वो दूर हो, तभी तो सत्संग करने का लाभ है। इसलिए आवश्यकता है जो कोई भी अपने जीवन में यदि कोई परिवर्तन लाया है तो वो अच्छे विचारों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। इसलिए आवश्यकता है सत्संग करें, संतों के पास जाएं, ज्ञान की बातों को सुने और सुन करके अपने जीवन को सब शांतिमय और सफल बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।